की तैयारियों की समीक्षा की गई। दरगाह के अंदर के क्षेत्रों में जायरीनों का मूवमेंट रहेगा वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से चलता है, किसी भी तरीके उनको परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, और जो ताज़ियों का रूट रहेगा उसमें कहीं पर भी कोई अड़चन ना हो। जो बिजली के तार हैं और जो DOIT के तार हैं उनको जो झूल रहे तार हैं उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जहाँ पे सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता थी वो भी करवाई गई है, नालियों की सफाई कराई गई है। तो जो अपने ताज़ियों का रूट है वो क्लियर करवाया गया है दरगाह के अंदर, और उसके आसपास के एरिया में भी क्लिनलीनेस इंश्योर करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। जो पहली यहाँ विजिट रही थी उसके बाद काफ़ी काम हुआ है, उसकी समीक्षा की गई, और अभी जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसके लिए संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और आशा है कि हमारे जो दोनों ही मुहर्रम और हाइदोस बिल्कुल निर्बाध तरीके से प्रॉपर्ली यहाँ पर इंश्योर किए जाएंगे। मैडम, बारिश का मौसम है और कई तार लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंगर खाना, फूल गली, मोती कटला, खादी मोहल्ले में, उसके लिए क्या व्यवस्था? काफ़ी बड़ी संख्या में तो इन तारों को हटाया भी गया है, टाइटन अप भी किया गया है, रेस भी किया गया है, और अभी जो तार बचे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, कम ही है, उनको भी आज संबंधित अधिकारियों को यहाँ बुला करके दिखा दिया गया है और उनको क्लियर करने के लिए पैसेज बनाने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। आज जो है प्रशासन और पुलिस और अन्य अधिकारी जो संबंधित विभाग के हैं उनके साथ एक दौरा किया गया है, क्योंकि आज से जो है हमारा जाब्ता डिप्लॉय हो जाएगा। आपके ताजिए हैं, हाइदोस है और त्यौहार है मिनी हाउस का, तो इसके लिए एक साथ चल के पूरा देख के कहाँ से क्या क्या रूल रहेगा, क्या उसमें परेशानी आ सकती है, कहाँ जाब्ता कैसे डिप्लॉय करना है, खासतौर से सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, कोई कमी है तो उनको दुरुस्त किया जाए, इसीलिए पूरी टीम को लेकर यहाँ निकले हैं और ओवरऑल एरिया का जो है पूरे का एक बार भ्रमण कर लिया। लगभग कितने जाब्ता लगाया जाएगा सर, और कौन कौन सी टीमें? लगभग टोटल जो है 1100 के आसपास जाब्ता हम लगा रहे हैं जी। इसमें कौन कौन सी टीमें लगाई जाएंगी? 7 सेक्टर में बांटा है अलग अलग, और उसमें आप ये देखिए कि 8 एडिशनल SP हैं, 13 डिप्टी SP हैं, बाकी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर मिला के टोटल जाब्ता होमगार्ड मिलाकर 1100 का जाब्ता पूरा डिप्लॉय रहेगा 3 शिफ्टों में अलग अलग। सर, मुहर्रम के जो ताजिए हैं वो लंगर खाने होते हुए इमामबाड़े तक जाते हैं, क्या वहाँ CC कैमरे की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, CCTV हम दिखवा रहे हैं, तो हमारा जो अवे कमांड है उसके थ्रू कंट्रोल पूरा रहना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी है तो भी वीडियोग्राफी करवाने का प्रोविजन है, तो प्राइवेट वीडियोग्राफर से भी वीडियोग्राफी करवानी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू।